नमस्कार। बाजार में बिकने वाली चीजों के हलाल सर्टिफिकेशन का जो मसला इस वक्त जेरे बहस है पूरे देश में, उसमें एक बड़ी आशंका उभर कर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जब प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को प्रतिबंधित किया, उस सर्टिफिकेशन के तहत कोई वस्तु ना स्टोर की जा सकती है, ना बनाई जा सकती है, ना बेची जा सकती है, मतलब उसके कंप्लीट प्रतिबंध की घोषणा की, तो लोग चौंके, लगा इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों प्रतिबंधित कर दिया, एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। और केवल प्रतिबंधित नहीं किया, कल यानी मंडे को प्रदेश भर में कम से कम 600 से ज़्यादा स्थानों पर छापेमारी हुई है कि कहीं कुछ हलाल सर्टिफिकेशन वाली चीज़ें बिक तो नहीं रही हैं, स्टोर तो नहीं की गई हैं। तो लगा कि क्यों सरकार इतना प्रोएक्टिव मोड में क्यों आ गई। देश में 4 ऐसी एजेंसियां हैं, उनको एजेंसियां कहिए, कंपनी कहिए, संस्था कहिए, जो ये प्रमाणन का गोरखधंधा कर रही थी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई बाकायदा, ताकि कानून के तहत उनको शिकंजे में कसा लाया जा सके, उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके। तो कई लोग चौंक रहे थे कि इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया। लेकिन सरकार ने यूं ही इतना बड़ा कदम नहीं उठाया। योगी सरकार के पास इस बात के संकेत पहुंच रहे थे कि हलाल सर्टिफिकेशन करने वाली ये जो सो कॉल्ड कंपनियां हैं, इन कंपनियों के तार PFI और सिमी जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं, ये समझिए, इसलिए ये इतना बड़ा कदम उठाया गया कि इसको वो बिल्कुल पूरे पिरामिड को ही ध्वस्त कर दिया जाए, जो एक समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी की जा रही है PFI और सिमी जैसे संगठनों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए, उनकी फंडिंग करने के लिए, उसको ध्वस्त किया जाए, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। PFI, सिमी, इसके बाद बहादत इस्लामी और इस तरह के अन्य तमाम आतंकी कट्टरवादी संगठन है जिनसे इन कंपनियों के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। अब कितने जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, कहां तक जुड़े हैं, कैसे पैसों का लेन देन होता था, फंडिंग कैसे वहां तक जाती थी, इस सब की पड़ताल अब ना तो सामान्य पुलिस कर सकती है, ना खाद्य विभाग के कर्मचारी कर सकते हैं। इसलिए कल देर शाम उत्तर प्रदेश की सरकार ने फैसला किया कि इस मामले की जांच STF भी करेगी। इसलिए इसको, इसमें जो आतंकी फंडिंग का कोण है, जो आयाम है, जो मसला है, उसके लिए इस मामले में स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया गया, उतारा गया, क्योंकि इस तरह के मामलों में विशेषज्ञता और दक्षता STF के ही पास है। अब आप सोचिए कि अगर ये आशंका प्रमाणित हो गई, प्रमाणों से पुष्ट हो गई कि जो कंपनियां हलाल प्रमाणित प्रमाण पत्र दे रही थी हलाल का, उसके बदले में जो पैसा ले रही थी, उस पैसे से PFI, सिमी और दूसरे आतंकी संगठनों को पालित पोषित किया जा रहा था, तो कितना खतरनाक खेल खेला जा रहा था। तब ये मसला बिस्कुट के पैकेट पर एक मोहर भर का नहीं था कि भाई बिस्किट के पैकेट पर एक हरे रंग की मोहर लग गई, नहीं उतने मसला नहीं, ब्रेड पर एक हले रंग की मोहर लग गई नहीं, फिर ये मसला हो जाता है देश के खिलाफ
विद्रोह और युद्धक की साजिश करने वाले संगठनों को देश के भीतर से राजस्व अर्जित करके फंड करना। इसलिए अचानक से उत्तर प्रदेश सरकार इतनी एक्टिव हुई। मुझसे भी कई लोगों ने कहा था परसों जब ये फैसला लिया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कि भाई इतना बड़ा मसला तो नहीं था, इतना हल्ला मचा दिया, दिस कर दिया, दैट कर दिया, क्यों कर दिया, और तमाम विषय थे, मान लीजिए मोहर लगी रही थी तो क्या फर्क पड़ता है टाइप का नहीं होता। भारत में के भी परसेप्शन इस वही चलता है जी। फिर जब इसकी पड़ताल की हमने कि आखिर तात्कालिक कारण क्या था, अचानक से सरकार इतनी हैविली, मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने FIR कराई भी थी तो उसकी जांच होती, सामान्य रूप से जांच होती रहती, लेकिन अचानक से शीर्ष स्तर से इतनी सक्रियता क्यों आई, तो उस पड़ताल में ये निकला कि मसला ये नहीं है कि बिस्किट के डब्बे पर हरे रंग की एक मोहर लगी है, केवल मसला ये है कि इसके पीछे का जो गोरख धंधा है उसके तार सिमी और PFI जैसे आतंकी और कट्टरवादी संगठनों से जुड़ रहे हैं। ये वो संगठन है जो 2047 तक देश में गजबाए हिंद लागू करना चाहते हैं। ये वो संगठन है जो देश में इस्लामिक राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए हिंसा का सहारा लेना चाहते हैं। उनको फंडिंग की आशंका है, इसलिए ये हंगामा है, इसलिए ये इतनी सख्ती है कि कल 600 से ज्यादा स्थानों पर एक दिन में एक साथ छापेमारी की गई। आप सोचिए, ये वैसा मसला नहीं है कि जिसे मिलावट की लिए छापेमारी होती है कि खोया असली है कि नकली है, उस स्तर का मसला नहीं है केवल कि दुकान वाले का और खाद्य विभाग के बाबू का या कर्मचारी का विषय है, नहीं, ये राष्ट्र की सुरक्षा का विषय है, ये आंतरिक सुरक्षा का विषय है, ये आतंकी संगठनों को नियंत्रण में रखने का मसला है, ये आतंकी संगठनों के आर्थिक संसाधनों के सभी स्रोतों को स्थायी रूप से बंद करने का मसला है। इसलिए मुझे लगता है कि अब ये बात साफ हो जानी चाहिए कि ये विषय केवल दुकान पर बिकने वाले ब्रेड और बिस्किट और चाय की पत्ती के डब्बे और पैकेट का नहीं, इसके पीछे जो डिजाइन है उसको अनफोल्ड करने के लिए ये फैसला लिया गया है और ये काम किया जा रहा है, इसलिए STF को उतारा गया है। अब चूंकि ये अंतर्राज्यीय मामला है, इसमें कई राज्यों का जांच का दायरा कई राज्यों तक जाएगा, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अलग अलग स्थानों पर ये कंपनियां हैं, इनके ऑफिस वहां रजिस्टर्ड हैं जो ये सर्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, इसलिए भी STF को इसमें इन्वॉल्व किया गया और STF को ये केस दिया गया कि अब आप इसकी जांच। अब निगाह इस बात पर है देश भर की कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक समानांतर राजस्व वसूली की प्रक्रिया खड़ी की गई और उसके द्वारा अर्जित धनराशि को PFI और सिमी और उसके जैसे अन्य कट्टरपंथी संगठनों तक पहुंचाया गया, और अगर ये बात प्रमाणित हुई तब शायद हमको ये बात समझ में आएगी कि ये फैसला क्यों इतनी जल्दी लिया गया और ये फैसला क्यों इतना जरूरी था, और इस फैसले के पीछे योगी आदित्यनाथ ने जो कमिटमेंट, जो संकल्पबद्धता और जो तत्परता दिखाई है वो कितनी जरूरी थी, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं, कोई सर्टिफिकेशन नहीं, कोई मत मजहब नहीं, कोई संस्था नहीं। इसलिए अब हमको उन परतों के खुलने की प्रतीक्षा करनी है जो STF को इस ओर, STF की जांच जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो वो परतें खुलेंगी कि सिमी और PFI जैसे संगठनों को के बीच में इन सर्टिफिकेशन वाली कंपनियों के रिश्ते कैसे थे और वो रिश्ते क्या कहलाते हैं। धन्यवाद।